पंजाब और विफाक का तनाजा या चाचा भतीजी का तनाजा शुरू हो गया? मैं नहीं समझता चाचा भतीजे का होगा तनाजा होना पंजाब और वफाक में, इसका मतलब है कि बेटरनेस की तरफ हम जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं है कि चाचा कोई ऑर्डर कर दे को फाइनल है, ये नहीं कि भतीजी कोई ऑर्डर करे फाइनल है। ये आप लोगों का सोच अब कम से कम ख़त्म हो गया कि अब मिलके काम करेंगे और जो चाहे करेंगे, वो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा शेर साहब, सिंध में पीपल पार्टी की 15 सालों से हुकूमत चल रही है, अभी सीएम साहब कह रहे हैं कि जो बदअमनी हुई है या जो मसाइल हुए हैं वो निगरान हुकूमत के दौर के हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें निगरान हुकूमत का मसला है क्योंकि इलेक्शंस हो रही थी, क्रिमिनल्स को कोई नहीं कह रहा था, तवज्जो सारी लॉ एंड ऑर्डर पे थी। 5-6 महीने पे हम चले गए, इसका असर बहुत बहुत बुरा पड़ा है, मगर ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते, हमें फेस करना है और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है। अच्छा, क्या वजूहत है जो नौशकी में ताफ्तान जाने वाली मुसाफिरों को उतार के जो है वो गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, इस वाकये की आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत शर्मनाक वाकया है, पहले होता था ऐसे, फिर बंद हो गया, फिर सर उठाया है, तो ये शर्मनाक वाकया है, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत में पीडीएम ने बोला था इमरान खान जाए तो हम महंगाई कम करेंगे, पीडीएम की हुकूमत भी चली, अब दोबारा आ गई है तो महंगाई कम होने का नाम ले रही, क्या कहेंगे? मैंने अभी आपसे कहा कि ये कम से कम 2.5-3 साल का मसला है, कोई 3 महीने इमरान खान की तरह के मैं आके ही 1 महीने के अंदर हर चीज़ कर दूँगा, 200 बिलियन लाऊंगा, 100 इधर मारूंगा, 100 इधर मारूंगा, वो हम नहीं कहेंगे। हम कहते हैं कि कम से कम 3 महीने 3 साल चाहिए कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि डॉलर भी अब नीचे जाना शुरू होगा। सिंध हुकूमत ने माजी में भी जदीद असले के लिए लिखा था कच्चे में ऑपरेशन के लिए, जो नहीं मिला था, इस बार आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत आपके साथ आपून में चल रही है? ये जदीद असले जब तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा देना वजह से होती, मगर ये मिलना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना। इस वक्त बड़ी कशीदगी है, ईरान जो है और अमेरिका इसराइल, अमेरिका ने वार्न किया है कि ईरान जो है उस तरह की कोई भी हिकमत अमली ना बनाए कि इसराइल पर हमला करे, तो हम इसे ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे। इसराइल वो अभी भी इसराइल के साथ खड़े हैं, मुनाफकाना रवैया है, अभी भी खड़े हैं, इसराइल को फुल मदद दे रहे हैं और मुसलमानों को कुचलने की बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीन की हिमायत करें और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ न करें। 1973-74 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 7 दिन के अंदर वार को ख़त्म करवाया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो अब भी अगर हम चाहें तो बहुत से रास्ते हैं। मेहरबान, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।